हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ऑनलाइन लोन टच चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑन कार्ड के क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो दोस्तों, क्रेडिट कार्ड वैसे दो प्रकार के होते हैं, एक तो हमारे को बैंक के द्वारा लिमिट अप्रूव मिलती है, और एक हम जो क्रेडिट कार्ड लेने के लिए हम हमारा जो FD करनी पड़ती है, तो हमारा जो क्रेडिट कार्ड इंक्रीज करने के लिए हम वहाँ पे पैसे देकर हम क्रेडिट कार्ड लेते हैं। आज उसी दोनों क्रेडिट कार्डों के बारे में बात करने वाले। तो उस क्रेडिट कार्ड में अगर आपको बैंक के द्वारा कोई लिमिट मिली हुई है तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन आपका जो सिविल क्रेडिट स्कोर सिविल है वो आपका डाउन है, या फिर कोई कहीं भी आपने कोई पेमेंट ड्यू किया हो तो आपका जो इन सिविल स्कोर है वो कम हो चुका है, तो आप वो क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। उसकी जो 2000 की लिमिट है, अगर आप 2000 की जो FD करते हैं तो वहाँ पे आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे लिमिट में, तो वो 2200 रुपये की लिमिट बन जाएगी हमारी। और उसके जो टाइमली हम पेमेंट जमा करते हैं, उनकी ड्यू पेमेंट हमारा टाइमली उसको पे कर देते हैं, तो वहाँ पे हमारे जो सिविल स्कोर है वो इंक्रीज होता है हर महीने। के क्रेडिट कार्ड का एक फंडा है कि हमारे जो सिविल स्कोर है वो हर महीने ही अपडेट होता रहता है। जैसे मान लो आपने लोन ले रखा है कोई, तो वो तो 3 महीने में अपडेट होएगा, लेकिन हमारा जो क्रेडिट कार्ड का पेमेंट हम ड्यू करते हैं या फिर पेमेंट टाइम पर टाइमली देते हैं, तो हर महीने हमारा जो क्रेडिट स्कोर में अपडेट होता है। तो आप अगर आपको वैसे अप्रूवल मिली हुई है तो ठीक है, नहीं लेकिन आप अगर आपको जो अप्रूवल नहीं मिली हुई है तो आप FD वाला क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, वो सबसे बेस्ट क्रेडिट कार्ड है। तो दोस्तों, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम किसी भी हमारे जैसे मान लो हमने FD कर ली 2000 रुपये की, और उसकी लिमिट यूज करने के लिए हम पेटीएम के द्वारा या फिर फोन पे में या फिर मान लो MobiKwik में हम वहाँ पे जाके जो एड मनी करते हैं, एड मनी के करने पर हमारे को जो चार्ज लगता है 5% 2% वो चार्ज देना पड़ता है हमारे को। दोस्तों, उसी चार्ज के बारे में बात करेंगे। तो वो तो क्या फायदा हुआ कि अगर हम वहाँ पे FD किए हैं और उस पैसे को निकालने के लिए हम जैसे एड मनी करेंगे, तो हमारा जो मैं एक साल का रिन्यू होता है, वो जो ब्याज होता है वो तो वहाँ पे ही एड पूरा हो जाता है। तो उसी के बारे में मैं बताने वाला हूँ कि अगर हम उनका जो 0% पर उनकी जो लिमिट यूज करते हैं तो वो तो अच्छी रहेगी। अगर हम उस लिमिट को यूज नहीं करेंगे तो हमारा क्रेडिट स्कोर भी अपडेट नहीं होगा, क्रेडिट स्कोर भी इंक्रीज नहीं होगा, और लिमिट यूज भी नहीं होगी, हमारा 2000 रुपये वैसे कैसे पड़ा रहेगा, उसमें कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों, उस ऑन कार्ड की एप्लीकेशन के अंदर एक ऑप्शन, नया ऑप्शन एक वहाँ पे आया है कि आप भारत पे के QR कोड से किसी को पेमेंट कर सकते हैं गूगल पे के थ्रू। दोस्तों, उस एप्लीकेशन में मैंने आज ये ऑप्शन देखा, तो उसमें ये देख रहा हूँ कि अगर हम पेमेंट होता है या नहीं होता है। आज मैं आपको लाइव अप्लाई करके दिखाऊंगा, लाइव पूरा सिस्टम करके दिखाऊंगा, तो आप वीडियो को पूरा देख, और मेरे वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है तो भी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों, हम चलते हैं गूगल पे में, और वहाँ पे हमारा जो कार्ड है ऑन क्रेडिट कार्ड है वहाँ पे ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद में उसको आगे प्रोसेस करके देखेंगे कि हकीकत में ऑप्शन आता है या फिर वैसे ही है। तो दोस्तों, चलते हैं आगे और गूगल पे में देखते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पे ऑन कार्ड का एप्लीकेशन ओपन कर लिया, तो मेरी लिमिट है 4400 रुपये। तो दोस्तों, मैंने 1129 रुपये तो यहाँ पे यूज कर लिया, और अवेलेबल लिमिट है मेरी 3271 रुपये, और मैंने यहाँ पे रिचार्ज इसी से किया है, और पेट्रोल जो फ्यूल वोल वहीं इसी से काम में लेता हूँ। तो हम यहाँ पे नीचे ऑप्शन शो हो रहे हैं 4, तो हम दूसरे नंबर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो इनका कन्वर्ट EMI फुल पेमेंट या फिर आपकी लिमिट जो आपने टोटल फिक्स डिपॉजिट कितना किया, तो यहाँ पे नीचे आ रहा है VR कंट्रोल, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको शो हो जाएंगे कि आपको इंटरनेशनल यूज कर सकते हो या फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो, और ATM POS मशीन भारत QR कोड। तो दोस्तों, यहाँ पे आए भारत QR कोड ट्रांजेक्शन, तो इसी के बारे में बात कर रहा था मैं। तो हम इस एप्लीकेशन के इससे बाहर निकलते हैं, और हम चलते हैं गूगल पे में, और वहाँ पे हम ऐड करते हैं हमारा जो कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, वहाँ पे ऐड करेंगे हम। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ गूगल पे में। गूगल पे में आने के बाद हमारे को हमारा जो ऑन कार्ड का क्रेडिट कार्ड है वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो ऊपरी यहाँ पे एक आइकन शो हो रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, और नीचे जो दो ऑप्शन शो हो रहे हैं बैंक अकाउंट और पे बिजनेस, तो पे बिजनेस पे क्लिक करेंगे, तो ये प्रोसेड ऐड कार्ड टू गूगल पे में, फिर आगे प्रोसेड करेंगे। प्रोसेड करने के बाद में हमारा जो अगर आपका कार्ड में जो नंबर है वो अच्छी तरह से हो रहे हैं तो आप इनकी इमेज ले सकते हैं, या फिर नीचे ऑप्शन आ रहा है एंटर डिटेल मैनुअल, तो हम यहाँ पे एंटर डिटेल मैनुअल पे क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद में हमारे को यहाँ पे हमारा कार्ड नंबर जो 16 डिजिट का कार्ड नंबर है वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे मेरा कार्ड नंबर पूरा डाल देता हूँ। यहाँ कार्ड नंबर डालने के बाद में नीचे ये एक्सपायरी डेट डालनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे एक्सपायरी डेट डाल देता हूँ। और फिर यहाँ पे सीवीसी नंबर डालना पड़ेगा, हमारे जो कार्ड के पीछे होते हैं 3 अंकों का वो डालना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे मेरा कार्ड का सीवीसी नंबर डाल देता हूँ। ये सब डिटेल डालने के बाद में आपको यहाँ पे आपका नाम ये पूछेगा, तो आप यहाँ पे पूरा डाल देना, या अगर मैनुअल पूछे या फिर ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। तो ये पूरी डिटेल डालने के बाद में सेव पे क्लिक करेंगे, और सेव करने के बाद में हमारा जो कार्ड है वो वेरीफाई हो जाएगा यहाँ पे। अब ये जो भी इनकी जो टर्म एंड कंडीशन है वो एक्सेप्ट करनी है हमारे को, और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों ये योर इजी वेरीफाई योर कार्ड, तो ये वेरीफाई हो रहा है हमारा कार्ड कि भाई आपने कार्ड की डिटेल सही डाली या नहीं डाली। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो कार्ड है, चॉइस यू आर वेरीफाई बैंक योर बैंक वांट्स कन्फर्म डेट इट यू, तो ये हमारा जो कार्ड है वो वेरीफाई हो गया। अब हम यहाँ पे कार्ड का जो नंबर नंबर ये थोड़ा शो हो रहा है, और हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पे शो हो रहा है, और कार्ड की जो इमेज है वो शो हो रही है। तो हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यस ऑटो फाइल है हमारे जो कार्ड पे, हमारे जो कार्ड वेरीफाई होने के लिए हमारे को कोड आएगा, तो ऑटो फाइल करेंगे हम, कि हमारा OTP ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑटोमेटिक ऐड हो जाए। ये हमारे पास OTP आ गया, हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब वेट करने दोस्तों, हमारे को यहाँ 5-10 सेकंड वेट करना है। यू आर रेडी मेक ए पेमेंट, तो हमारा कार्ड यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो हमारा जो ये कार्ड ऑन कार्ड है ये यहाँ पे ऐड हो चुका है। हम यहाँ थोड़े से बाहर आएंगे, और जो यहाँ पे तो दोस्तों स्कैन एनी क्यू आर कोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में अपलोड फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करेंगे, और हम आपका जो भी जो भारत पे QR कोड है वो आप यहाँ पे डाउनलोड करके उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में ये आपको जो QR कोड है आपका कौन सा नाम से बना हुआ वो यहाँ पे शो हो जाएगा, तो हम यहाँ पे नंबर डाल देते हैं, शो हो जाएगा। तो हम यहाँ पे पेमेंट डाल देते हैं, भाई हमारे को 200 रुपये सेंड करना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, और नीचे फेडरल बैंक दिख रहा है आपको शो हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कोई ऐसा कार्ड का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है कि भाई हम ये QR कोड के थ्रू हम भारत पे में पैसे भेज सकते हैं इस कार्ड के थ्रू। तो हम दूसरा यहाँ पे तरीका देखते हैं कि हमारा बैंक में पैसा जाता है, या फिर मोबाइल रिचार्ज ही होता है, या फिर आप कोई भी बिल पे कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे मोबाइल की रिचार्ज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में ऊपर यहाँ पे हम मोबाइल नंबर या डालेंगे जिसको हम रिचार्ज करने वाले हैं वो डालेंगे, और यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे सब कुछ शो हो जाएगा, प्लान वलान उनकी, तो हम कोई भी एक प्लान पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे हमारा कार्ड का ऑप्शन अब शो हो रहा है कि हम जैसे कोई भी बिल पे करेंगे तो ही हमारा जो है ऑन क्रेडिट कार्ड का, जो हम कोई भी बिल पे करेंगे तभी ऑन क्रेडिट कार्ड यहाँ पे शो होएगा, या अन्यथा कोई हमारा बैंक के थ्रू ही पैसा भारत में मर्चेंट में जाएगा। तो दोस्तों बिल पे में बिल अगर आपको बिल पे करना है किसी कोई भी बिल पे, जैसे मान लो सिलेंडर का हुआ, या फिर इलेक्ट्रॉनिक बिल हुआ, या फिर क्रेडिट कार्ड का, तो क्रेडिट कार्ड का तो बिल नहीं होएगा यहाँ पे, लेकिन बिजली बिल हुआ या फिर मोबाइल रिचार्ज हुआ, ये यहाँ पे सभी में यूज हो जाएगा ये बिना किसी चार्ज के। तो दोस्तों मैं आज पूरा आपको लाइव करके दिखा दिया हूँ कि आप डायरेक्ट इसको यहाँ से पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो बैंक में। तो आज का वीडियो यही था। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको थोड़ा पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू दोस्तों।